मैं बिल्कुल गरीब मानस हूँ और मैं घर के पुरुष को जी बोलने सब भैया ने कहूँ वो जो नाम है वो मारे तो सूची किरण है। के सभी लोगों के साथ होंगे अजीतपुरा गांव के अपरपुरा गांव के लोग हमेशा हमारा जो भी कैंडिडेट हुआ उन्होंने स्पष्ट बढ़िया तरीके से हमारे गांव के कैंडिडेट हमारे परिवार का जो भी कैंडिडेट हुआ अजीतपुरा गांव का हमारा सारा परिवार ही है परिवार का जो भी कैंडिडेट कभी खड़ा हुआ है तो अमरपुरा गांव ने 100% हमारे साथ सहयोग किया है। अगर अमरपुरा गांव के आपसे बतला के चाहते हैं हम मन से चाहते हैं आत्मा से करें फॉर्मेलिटी का कोई काम नहीं करते हम तो अगर अमरपुरा गांव का कोई कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है तो इतने लोग आएंगे हाथ ऊंचा करके कह देंगे हर समय आपके साथ होंगे फलम या ऊंचा हाथ करें तो सारा फॉर्मेलिटी को कोई काम बनियो हो बताओ साथी पहले देता रहा नक्का जाके बतला लियो हमारी सलाह हुआ है नक्का बैठ के बतला लियो सुन लो हमारे गांव का उम्मीदवार कोई कौन बने हमारे राजदेव सिंह महाराज बतला गया है हमारा राजदेव सिंह उम्मीदवार है हमारा अमरपुरा कोई उम्मीदवार को नहीं आज तक मन भैया हाँ हेलो अभी मैं न्यू कहना चाहता हूँ अमरपुरा गांव के सभी लोग हैं हम मन से कहे इनको भी आप लोग कैंडिडेट हो तो हर संभव साथ है और मैं कहना चाहता हूँ अजीतपुरा गांव के 36 बिरादरी का अपना कोई आदमी अपनी पार्टी का कोई आदमी अगर उम्मीदवार बनना चाहता है तो आप अलग से बतलाएंगे कोई मोमडन समाज को या मान लो कुमारा को 36 बिरादरी में कोई हो खाती कुमार जो भी हो अगर लगन लड़ना चाहे तो आप बतलाएंगे सारा साथी बेली आपा मैंने जी जानू सागे लागे आपा जिताऊंगा बोलो भैया आपा कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहे तो आपा सारा साका और मैं साका फॉर्मेलिटी को काम मैं और मारो परिवार कदी कौन करे मेरा साथी बेली है मेरा ये सारा परिवार है कदी फॉर्मेलिटी को काम करे तो नहीं मेरा भैया कोई इच्छा हुए तो मतलब मैं 100% साका हमारा कार्यकर्ता सारा साका है बढ़िया तरीकों में बतला लो कोई साथी बेली को जी करतो है कभी चुनाव लड़नो है तो 100% हाँ कोई फॉर्मेलिटी को काम कौन करा फॉर्मेलिटी की बात या कोई साथी बेली बात कह देनी तो अगले ने भे करा फोन भैया तेरो काम हो तू आयो को नहीं तो यह बात है लगांगा कोशिश करांगा अगर कोई भाई अपनो छाती बेली कोई चुनाव लड़नो चाहे तो या दूसरी बात त्यार रहा भाइयों बात कही है बा अपने बतला लियो कोई साथी बेली के इच्छा हुए
तो पहली बात तोबा है। अमर परेगी कह दी और बात बात में बात ये है का अपने बतला लियो मी कुमार बिरादरी का भी लोग आड़ा है, मोमडन समाज का भी लोग आड़ा है, मान लियो मेघवाल समाज का भी आड़ा है, छत्तीस बिरादरी का हमारे फौजी साहब भी आड़ा है, जो बेनीवाल जी है बड़ी आदमी है हमारे जितपरे गांव को प्रतिष्ठा आदमी है, बुद्धिजीव आदमी है, लोग है नी सारा जो कहते हुए फलाना कह दियो सारा लोग दिहाड़ा हो सारा बैठ के आराम सौंपने की कोई बात को नहीं। सुनो सुन एक मिनट तो सुन मतलब बात सुन लियो आपने नक बैठ के सारा बतला लियो भी आपने मतलब कहने उम्मीदवार बनाना है मतलब स्टेज पर बैठ के कोई बात बोली सारा बतला के अमर पर गांव का भी आ रहे आने भी पूछ लियो और अपने छत्तीस बिरादरी का आदमी है आराम बैठ के अपनी प्रतिक्रिया जे टाइप पहली के चल रही नहीं बेही साहब करो चीज न्यू कह बो मंजूर है के बो मंजूर है इतना कोई बात नहीं होनी चाहिए। अपने समाज का है राजपूत समाज का भी है सारा भी है छत्तीस बिरादरी का लोग है नहीं बाने बैठ के मान लियो नायक समाज का भी लोग है सारा ने बढ़िया तरीकों बदलाओ क्या अपने के करना चाहिए और अपने कोई साथी बेली को मन करतो है तो बात सारी त्रिया बदलागी फिर अपना नाम काट दो। हर बहंगी बात यह फॉर्मेलिटी को कोई काम ना करो जकी बात से मतलब कहो नहीं मैं खरे उतरो पक्की बढ़िया तरीकों अपन चुनाव लड़ना है कंधों कंधे मिला के काम करना है और मल्टी को कोई काम नहीं होना चाहिए सती बेलियो और बतला लियो बढ़िया हूँ और बड़े कमरे में बैठ बैठ के आराम हो थाला समाज का थे बतला लियो मोमडन समाज का भी आयड़ा है हरिजन समाज का आदमी आयड़ा है सारा बैठ के बढ़िया तरिया बतला के दो दो चार चार आदमी मैन समाज का आदमी लेके बैठ के बात कर लियो कमरे में फिर कर लिया ठीक है मंजूर है बहुत बढ़िया। ग्राम अजीतपुरा की तरफ से भी सहमति आम राय आ चुकी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे ब्लॉक नंबर 13 के उम्मीदवार श्री राजदेव सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम सभी का अब नेतृत्व उनका नेतृत्व आगामी 23 नवंबर को आपको पता है कि हम सभी एक हो होकर आगे बढ़ेंगे और इस चुनाव को हम जीतेंगे। इसी कड़ी में मैं बता रहा था हमारे जो उम्मीदवार कैंडिडेट हम जो चुनाव लड़ेंगे वो राजदेव जी के नेतृत्व में पीछे भी उन्होंने अपना एक सेवा भाव आपको दे चुके हैं बताने की आपको जरूरत नहीं है। लगातार समाज के बीच में रहकर हमारे लिए मिसाल पेश कर चुके हैं। 36 बिरादरी को साथ लेकर जब भी उनको किसी भी प्रकार से मौका मिला है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया है और हम दोनों गांव के जितने भी हमारे बुजुर्ग युवा साथी सम्मानित सदस्य हैं एक बार फिर उनके नेतृत्व में ये बागडोर उनको सौंप रहे हैं ताकि हमारी आवाज वो बने पंचायत समिति में। हमारे जो भी काम होते हैं समाज के उन सभी कामों के लिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या ना आए इसी उम्मीद के साथ हमारे इस ब्लॉक के उम्मीदवार श्री राजदेव जी के नेतृत्व में निर्धारित किए गए हैं। इसी कड़ी में मैं माल्यार्पण का जो कार्यक्रम रखा गया है हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अमरपुरा ग्राम की ओर से मैं आमंत्रित आदरणीय बुजुर्गों मेरे प्यारे ग्रामवासियों आप सभी को पता है आज हम गढ़ प्रांगण में ब्लॉक नंबर 13 के उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
अब मैं कुछ खास खास बात आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें जब भी हमारा मौका मिला ब्लॉक में खड़े होने का तो अमरपुरा ग्राम ने पूर्ण सहयोग किया है। अभी हम ये चाहते हैं पहले तो कि अमरपुरा ग्राम के किसी भी कैंडिडेट को अगर खड़ा हो तो हम पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उनके आदमियों ने ये घोषणा की है कि हमारी तरफ से राजदेव सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, मोहम्मदन समाज की तरफ से हम अपना ये चाहते हैं कि वो भी अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहें तो गढ़ परिवार उनका पूर्ण समर्थन करता है, लेकिन उनकी तरफ से भी उन्होंने बोला है कि हम राजदेव सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि प्रजापत समाज है, मेघवाल समाज है, अन्य कोई भी सभी समाज 36 बिरादरी में कोई भी कैंडिडेट ये कहे कि भी मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो वो कृपया आगे आ सकता है और वो कह सकता है कि मैं भी एक कैंडिडेट खड़ा चाहता हूँ। अन्यथा अभी चुनाव के समर्थन में हमें राजदेव सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की घोषणा, यानी मैं मेरी तरफ से राजपूत समाज की तरफ से उनके नेतृत्व में चुनाव की घोषणा करता हूँ। इसके अलावा अगर किसी को कुछ दो बात कहनी हो तो वो खड़ा होकर कह सकता है। धन्यवाद। मैं प्रजापत समाज से हूँ, मैं राजदेव सिंह जी का स्वागत करता हूँ, उनके साथ रहूंगा जी जान से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, मैं मेघवाल समाज से हूँ, मैं और राजदेव सिंह के समर्थन में, और मैं जी जान से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्रवाई यूं ही बढ़ता चला जाए। कोई ताजा मेरा नाम आ रहा है, सारे दाम तैयार है, सीधी सी बात यह है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी की सहमति, सभी का नेतृत्व बहुत बढ़िया बात है। इस प्रकार से हम सभी की मुख्य सहमति को ये माने कि सभी अपना नेतृत्व श्री राजदेव जी के हाथ में सौंप रहे हैं। हेलो, आदरणीय अजीतपुरा गांव के बुजुर्ग युवा साथी व अमरपुरा के महानुभाव सभी आए हुए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ताली तो बजाते हैं, ताली लगे, पैसा लगे। अब बात यह है कि कहीं यहाँ कह दियो अमरपुरा कह दियो, कहीं आपने कह दियो, मैं पूछना चाहूँ राधे सिंह जी का आपने सारा का स्वीकार है के बोल के कहो है नहीं स्वीकार है। और कोई सो जमे को नहीं, जमे को नहीं। पहले लो कहता गड्ढे नहीं जी को कौन सा तक है, कहता को नहीं क्या गड्ढे जी को कौन सा तक है, कहता नहीं अब तो सुनता ये भी कह दिए कौन सा तक है कोनी का जननी जने तो ऐसा जने, जननी जने तो ऐसा जने का दातार के सूर नहीं तो जननी ने जमे क्यों बवार नूर बांधड़ी रह जा क्या जरूरी है। अरे गणी रहे अर गणा के नहीं जावे हमारा टपरी को नहीं जी को पीछा ही लगावे। अरे ईसा देवता आवे टपर देवता का मैं बार बार पंजाब हरियाणा आउतर मंगा टपर होता। अरे पा कह एक पानी गए औलाद को नहीं कह साहब मारे औलाद हो जा तो मारो घर खुल जा कह जा तेरे नुह में न छोरो अर मंग हो वो गाड़ी ले आयो बैठे मैं 7 लाख रुपया की
अरे कौन सन क्यों लियो चाबी? बोले मेरा चाबी क्या काम है, मगटारी को रखी कि नहीं? अरे माँ कौन रखी रखी है तो बताओ थे हाँ मांग तो छुपियो ने बटे रोटी खाली बटे ही गटो। अरे ईसो ही रात देव सी मनांगे आज भी है। अरे सिर देव सी जी का ईसो ही है कट जट है छिप जा को नहीं बटे ही गट है। एक मिनट दे आलियो सारे वर्दियो आ साहब मैं बिल्कुल गरीब मानस हूँ और मैं घरा भी पूरो सो को नहीं बोल रहा हूँ। पूरा मैं बोल कर सब भाइयों को हूँ के ओ जो नाम है वो मारे तो सूरजी किरण है। रेगर समाज में बोलियो हूँ मैं। मेरा पिताजी को नाम दुला राम जी है। मारा पिताजी मोट देव तो गया और मैं दो कमसी को गयो। मैं भी बोटा नाका नहीं दिया इर मेरी भगवान साथ दे आएंगे मैं। अपना हाथ उठाकर राजदेव सिंह की सहमति में अपना हाथ उठाएंगे सभी। सभी को स्वीकार है, सभी अपना हाथ ऊपर करके उनका समर्थन करेंगे। बहुत ही अच्छा। एक प्रकार हम ये जीत हर हालत में हासिल करेंगे। अरे भैया बात ये है बोले ना बोले रात को नहीं है तो पिसा पिसा मिलती है दिन छिप जाए तो कोई बात नहीं। को दारू चाहिए इनको पिसा चाहिए आने तन मंदिर सहयोग करो। अरे काट दे कोई पीठ में थोड़ा ही बात ना करियो तन मंदिर सहयोग करो मैं भी करांगा। आइडो मान समान है राइस का और उसको काम को नहीं चौबीस घंटा काम है चौबीस घंटा यो आदमी सो है जो भुख पर पिसो। हेलो आदरणीय बुजुर्गो हम उम्र साथियों अमर प्रमो जो हमारा भाई बता रहे है हम 25 सालों में चुनाव नीति में जुड़े ना तो आज तक है ना जो भी हम कोई काम पड़े है ना तो वह मैं भले काम में ही गया बुरे में कौन गया बुरे काम में मैं कभी कौन गया मैं कभी आप कौन गए हो कभी मैं चाल भी तो महावीर चाल जयपाल पर केस कर दे मैं तेरे सहयोग करांगा वो तो मैं करे पनीर और जो को बढ़िया काम हो गए मैं पूरी भागीदारी निभाई है। और अमरपुर गांव जो अजीत पर का लाड करे बितो ही करे हमारे साथ वो भतीजो जाए करे दो तीन दिन हूँ जैसे बाबा साहब थे 4 किलो दूध पिया दियो मैंने तो मैं बोले यार प्रेम है नहीं इस लासी को निकल ले कोई तो अपनो प्रेम भाव जब दूध पिया है तो बात है कि भी अपनो प्रेम भाव मने रहे। और राजनीति की तो बात है कि भी राजनीति करा ना करा पर थारे सहयोग में सगे रहना। अब गेला हार गया मैं चुनाव तो भी मैं थारे सगे रहे यार आज भी गेला भी रहे यार आज थे जिताऊंगा तो भी सगे रहे और मैं उन्हें थे दूसरो कैंडिडेट दो तो भी मैं सगा जी जानू जी अमर प्रो दे तो अमर प्रा रह सगा जीत प्रा रह दे तो जीत प्रा रह सगा। और मारूंगा तो जे कोई मन जा तो जे मैं जीतांगा ना तो जीत प्रो गाँव जीतेगो अमर प्रो गाँव जीतेगो। और मोर है ना थारी उड़े मेज पर पड़ी रहती मेज पर पड़ी रहती चक्के मोर मारे वो रिसालो है भतीजो जो लगा दे तो और देव लगा दे तो और छोटो स्टबरी है हमारे 7 साल को अपने वो लगा दे तो मोर कर ले मोर लगा ले ले जा तो वो कोनी कभी मैं मिन्नता ही कहेंगे फाइल छोटे रखे एक ही आदमी साबित कर दे कभी मैं मिन्नता ही कहने इंडा ये और जगह मन बेरो फुट गयो कहेंगे तो हादसा हो गयो कल नायका हो तो मन पतो चलो तो मैं एंड टू एंड पुंचया और पुंचया कोनी 2 दिन भूख मरिया। एक दिन तो पहली बार तैयार करियो तैयार करके फिर मैंने बोटी बाद मोचरी में भेज दी मोचरी में भेजा बाद में मैं वापिस नट गया का डेड बोटी में बाजे का ले जाऊंगा तो बाजे का बारिश तो न्योरा पहाड़ी का डिगेर मैंने घरे ले गया तो और जो भी है प्यार हो काम है तो ही मैं तैयार हार जे तरह ओड़ी पड़ी तो भी मैं तैयार रहे और रहूंगा। और जे दूसरो कैंडिडेट उतारूंगा तो भी मैं कोई थर सगा थरू ना कर पाला माने कैंडिडेट कोई मतलब बनी मान तो सेवा करनी है पिताजी सेवा करी अरे मैं करने लग रहा तो अंग लिए बात है कि रल मिल के काम करो और इज्जत बह में है कभी अब जे आज सारा हाथ खड़िया करो और तड़के धोखा पट्टी करो ना जब हमारे को यही जरूरी को नहीं राजनीति की सीधी पादरी बात है पादरों काम हो है कभी गेला मार सके भीड़ भी तो ही मैं 20-30 मार गया तो बैंक हमारा कोई धोखो को नहीं कभी थे संगठन हो गए वोट गणा ही दिया
पढ़वा कोई बात को नहीं, पर अब जीत भी होनी चाहिए और अपनी इज्जत भी रहनी मननी चाहिए। और बात आ है कि अब लोग कह कोई मैं प्रधान को चुनाव आ तो कोई कह मैं प्रमुख का दावेदार हाँ तो मैं दावेदार इन माना कोई नट है भाई, जे संगठन जीतेगा तो हमारा आदमी जीतेगा तो मैं भी मनसका प्रधान हाँ कोई बात को नहीं। और तो अगर जे मैं मनागा नहीं तो गाँव के विकास में खड़े ही फर्क को नहीं आवा। शिव प्रसाद सरपंच मारो एंटी पार्टी को, मैं पंचायत समिति सदस्य हो तो भी उरे गांव में पीसा लगाया तो मैं खड़े या कौन बढ़ती के पार्टी बाजी भी गांव में विकास हुआ तो वो होना चाहिए तो वो हो। और अब है नहीं, अब तो क्या है जो काम हो कैंसिल करवा जो पचाली पुल पटड़ो मनवा पटड़ा वो निर्माण चालू हो गयो हाँ कैंसिल कर दियो कि मैं कौन करवाऊँ तो मैं तो कहें व्यवस्था तो बरता को जो होना है जो वो करवाऊंगा। तो बात है कि रल मिल गया बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ो और इज्जत समान शिरदेव सिंह या मारे घर का फॉर्मेलिटी को कोई काम कौन करे, मैं जी जानू अगलो फोन कर दे है, मैं फोन करा अगले दत्ता ही नेशनल टै जलता ही पूरी बढ़िया तरीकों काम करा तो बे प्रकार सारा मतवाले लाग के एक एक बोर्ड घेरना और एक एक बोर्ड की कोशिश करनी। रही बात भाई जको मान लियो न्यू कह दो भी खड़ा कर दिया आप सारा कैंडिडेट आप हो गए चुनाव लड़ोगा कोशिश करोगा। रही बात साथी बेलियो लोग न्यू लुभावना भाषण देगा लुभावनी बात करेगा प्रलोभन भी देगा। बात यह है भी थे सारा साथी बात लिया हो नालो साकी जगह उतरनो चाहिए साकी कर लियो नालो साकी जगह डालना है। रही बात जितवरे काम की 70 साल में केस कोनी है, मैं तो हमारे सरपंच साहब एक ही काम कर रहे हैं 70 साल में केस कोनी होया पे 10 महीना में हो गया भैया। जितपरे काम में 100 मकान इंद्रावास का आता एक मकान को नहीं तो आयो 80 मकान मतवले 100 मकान मकान पास होता रिकॉर्ड देख लो 100 मकान नाम 80 मकान जितपरे काम में आता मेरे भाइयो अभी भी एक मकान को नहीं आयो 7 दिन फितो रख के बोले तने शेड दिरा दूंगा तने बाथरूम दिरवा दूंगा की दिरा तो सही दिरा ने भैया अरे सुनो अरे साथी बेलियो जगह घरे लड़ाई हो जा जगह ने मिटाई कर यो कोई छोरो साथी बेली कर ले पहले धमका दे अरे थाने में बग जा फिर थाने में कदी के न्यू कर दे कदी के तहसीलों काट दे कदी के जिलों काट दे फिर वो बोले रे थाना रे बोले कर दो कहता है बोले भैया बता रहे तने के करा रहे ज्ञान कोनी। तो बात यह है जितरेगा में नरेगा वो काम चालियो शुरू शुरू में ले लियो थे नरेगा में पंचायत कर में नाम लिखिया मैं काट दिया दूसरा को नाम चढ़ा दिया। अरे गरीब आदमी एक श्यामिया का लीला दरगाह वीडियो लुगाई है श्यामिया का गरीब आदमी बड़ भाई 3 बारी नाम लिखायो नरेगा राष्ट्रीय राष्ट्रीय रोजगार योजना है 30 साल में मैं गारंटी ले कोई सत्ती पहली को इतना नाम कटे है कोई वंचित कौन कर सके जगह ने 3 बारी नाम लिखायो नाम काट दियो कलेक्टर साहब के पेश हो गए फेल लग गयो अगलो है। रही बात भैया मतलब नरेगा में मैं नाम कौन लेना चाहूँ जगह को दूसरे काम को हरियाणा की लेडीज आपका घर के की फोटो लगा के नरेगा में लगा है। अरे गरीब है क्या अरे तो देव गरीब तो सारो काम है अरे भी सब दुनिया जका नरेगा में बड़े फर्जी तरीकों नाम डाले जका मुख्य मुख्य आदमी है मैं इतना कोई काम करे मेरे साथी बेली कदी नहीं कौन कहो हमारी हाजिरी लगा दियो अन्य लगाई। रही बात भैयो यह बात है ये मोदिया की हल्ली की बात बताऊं था ना मोदिया की हल्ली है शीर की सारे गांव ने बेरो हो तो मैं मदन मोदी के और 4-5 एक परिवार का अंग है मैंने नहीं कहो थे लिख दो सारी प्रकार उन्होंने कर दिया। मैं बोली भैया गलत काम कौन करा
गलत काम करा को नहीं, सही बात है वह कर देंगा। मैं लिख दी भी हनुमान मोदी की हल्ली, अरे हनुमान मोदी का बटोड़ो लड़को है वो न्यू कह दे हल्ली मारी है तो मैं 100% गारंटी लूं। रही बात है मदन मोदी गई तो बांगो वोटर बेंगा 6 वोट एंगो 1 वोट 2 वोट है वोटा की बात मानो तो 6 वोट आ रही कौन चली 1 वोट आ रही चल गई कह भी दबाव है वोटा वोटा में फर्क मानना है आटे तो सारा काम नहीं सही मानना वोटा वोटा में फर्क मानना है। आ बात है तो कोई देखो थे लोग मतलब है ना फर्क ना आना चाहिए फर्क आवे तो अपन कोई जरूरी को नहीं कैंडिडेट खड़े रहे बहुत सही है बाकी को भैया नाड़ो साकी जगह तालो है कारवा को नहीं हाथ तो करो हेलो मैं अमरपुरा गांव से रामेश्वर चौरान पूरे अमरपुरा का बहुत ही प्यार से अभिनंदन करता हूँ और हमारे गांव के अमरपुरा गांव से हमने जो समर्थन दिया है भाई राजदेव सिंह जी राठौड़ को वो न्यू मान लू मैं तो फेरा के काट ना मार दियो मार ली कौन लागे की देख लियो और सारे साथियों निवेदन करूं हाथ जोड़ के देखो प्रजातांत्रिक की सरकार होए और प्रजातंत्र में जो सही आदमी की हक की लड़ाई लड़ाए वो आदमी ने मंगा हक मिलना चाहिए। समर्थन है भाई साहब का सगे और हम थोड़ा सिर साम लियो और फिर हनुमानगढ़ नारे लगन दे आवांगे आप रामेश्वर कह नहीं आ बात पूरी की पूरी सही है थे थोड़ी सी गौर रखियो क्योंकि मैं फिर 700-750 वोट बोलोगा मैं वो 500-550 देगा और मैं हिसाब थे दूंगा तो घटे जिक्र को नहीं हुए तो मजबूती काम करना अपने सिर उनके नेतृत्व तो में रिसाल जी सियाग के नेतृत्व तो में ग्राम अमरपुरा माल्यार्पण कर श्री राजदेव सिंह जी का स्वागत करते हुए तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रताप जी सियाग वो मंच पे आए श्री राजदेव जी का स्वागत करें माल्यार्पण कर स्वागत करें। कृष्ण सियाग मंच पे आए श्री शिषपाल जी सुरान नजदीक आ जाए मंच के ऊपर मैं नाम बोल रहा हूँ श्री रामेश्वर लाल जी सुरान नेतृत्व में ग्राम अमरपुरा के हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं सम्मानित सदस्यगण मंच पे आए श्री शिषपाल जी कुमार श्री शिषपाल जी वर्मा मंच पे आए राजदेव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें श्री मदनलाल जी बेनीवाल मंच पे आए और पहले से जो मंच पे खड़े हैं सम्मानित जो भी सदस्यगण हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग वो मंच पे आए श्री मेज सिंह जी सुरान श्री भूप सिंह जी नाई मंच पे आए माल्यार्पण कर श्री राजदेव जी का स्वागत करें उनके हाथ मजबूत करें श्री महावीर बेनीवाल स्वरूप रामलाल बेनीवाल मंच पे आए श्री रामकिशन पिता तुले बुजुर्ग श्री रामकिशन जी सुरान अमरपुरा मंच पे आए श्री राजदेव जी का स्वागत करें माल्यार्पण कर स्वागत करें। महावीर गणगस मंच पे आए श्री राजदेव जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए तालियां नहीं रुकनी चाहिए जोश जुनून होना चाहिए 36 बिरादरी का साथ एक प्रकार से तालियां ये कहेंगी कि हम साथ हैं। अरे तो कैंडिडेट बताओ भैया कह रहे तैयार कर रहा हूँ मुँह बताओ नाम लो थे राजी होने सारा आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे महिला सीट होने के कारण
हमारे जो उम्मीदवार होंगे श्री राजदेव जी नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उम्मीदवार होंगे सुलोचना कंवर। तालियां जोर से। और इसी उम्मीद के साथ रामकिशन जी, दादा श्री रामकिशन जी सोरान मंच पे आए, राजदेव जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। मेरे गांव के जितने भी बुजुर्ग सम्मानित हैं वो एक बार मंच पे आ जाएं। आप सभी कोई भी जाएंगे नहीं।